हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एच एंड ई प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन से, जो कि 40 मार्क्स का है, उसमें आईटी लिटरेसी की जो टॉपिक है, उस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आप खुद भी हर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन को देखते ही पहले से ही देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि दोस्तों इससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम में आते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, सारे क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जोन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, आप ज़रूर इसे हर क्वेश्चन का जवाब पहले से ही कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊँगा बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, या आपको जहाँ भी लगे कि इस वीडियो की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक से आईटी लिटरेसी टॉपिक वाला क्वेश्चन है। तो अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एएलपी टेक्नीशियन CVT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें से लगभग 30% क्वेश्चन का भी अगर आप जवाब दे देते हैं, तो समझिए आपकी आईटी लिटरेसी टॉपिक बहुत ही अच्छी है। और आप प्लीज़ इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में नापा जाता है। तो कौन से मात्रक में नापा जाता है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को? इसका कि पहला ऑप्शन है मेगाबाइट, दूसरा ऑप्शन है मेगा हर्ट्स, तीसरा ऑप्शन है 16 बीट एंड चौथा ऑप्शन है मिली सेकेंड। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है आंसर, मेगा हर्ट्स। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है, उसे मेगा हर्ट्स में नापा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को सीपीयू की गति को दर्शाता है? तो कौन सा इसमें से पैमाना है जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है इसमें? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑप्शन है हर्ट्स, MIPS, MFLOPS और बाइट। तो फ्रेंड्स, इसमें से इस क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बता दें, हर्ट्स कंप्यूटर की जो गति होती है हर्ट्स में नापा जाता है। MIPS का मतलब फ्रेंड्स होता है MIPS, यहाँ पे आप देख रहे हैं MIPS, MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इट मीन्स कंप्यूटर की जो शक्ति होती है, इट मीन्स उसकी जो स्पीड होती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की पावर होती है सीपीयू की। सेकेंड एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन नंबर सी, इसमें है MFLOPS। इसकी फुल फॉर्म होती है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है मेगा हर्ट्स। पहला है गीगा हर्ट्स और तीसरा ऑप्शन MIPS, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एंड चौथा ऑप्शन है बैंड दर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मेगा हर्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। तो इनमें से कौन सा नाम है कंप्यूटर के संपादन क्षमता को मापने की इकाई का? तो ऑप्शन है इसमें पहला MIPS, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है MIS। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा MIPS। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट एंड सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू में पी का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन सीपीयू? तो ऑप्शन है इसका प्रोसेसिंग, पावर, प्रोग्राम, प्राइमरी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे होता है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर एट है, कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? इनमें से सीपीयू का हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है प्रिंटर, माउस, एएलयू, कीबोर्ड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि सीपीयू का हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन में है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, एएलयू। तो फ्रेंड्स प्रिंटर तो नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा, एएलयू। एएलयू यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन है, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, ये किसका समाकलित घटक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है इस क्वेश्चन का हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम, सीपीयू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। इट मीन्स प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, किसका अनिवार्य भाग है ये? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम का, कैश मेमोरी का, सीपीयू का। इसमें फ्रेंड्स एक नया वर्ड आ गया रैम। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। अब फ्रेंड्स इसमें एक वर्ड है रैम, रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म। एक और होता है मेमोरी रोम, रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, यानी सीपीयू की सीधी पहुंच किस मेमोरी में होती है? इसमें ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, सीपीयू की सीधी पहुंच रैम तक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ पे होता है? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू चिप। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, दूसरा ऑप्शन है जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। सीपीयू मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू, डेटा और प्रोसेस जानकारी करता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन भाग कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क एंड प्रिंटर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 15 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप कहा जाता है उसे।
सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, यानी पेंटियम ब्रांड किसे कहा जाता है। सिंपल, निम्नलिखित में कुछ उत्पाद दिए हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके पेंटियम नाम के ब्रांड से किसे बेचा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मोबाइल चिप, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर चिप, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। ऑप्शन है पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर ये तीनों हैं, पेंटियम प्रो भी, पेंटियम सेकेंड भी और पेंटियम थर्ड भी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, इट मींस मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है, इट मींस ALU किसका पार्ट है। इसका ऑप्शन है CPU, CU, मेमोरी एंड कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CPU से। सिंपल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अपने मैंने पहले भी करा था ये क्वेश्चन, CPU। इसी तरह के क्वेश्चन थे पहले भी, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप, यही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बोल बोल के बार बार हर एग्जाम में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कोई और अलग आएगा, इसी क्वेश्चन को अलग वे से बोला जाता है, अलग तरीका से बोला जाता है और उसी को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ALU कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है। सिंपली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर का हिस्सा है ALU। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स मैनेज करता है, यानी कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज कौन करता है। तो ऑप्शन है LUV, BUS, कंट्रोल यूनिट, IO यूनिट। इन चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए और इसका आंसर सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। 23 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को कौन जोड़ता है। मदरबोर्ड पे जो CPU और उस पर जो दूसरे पुर्जे होते हैं, डिफरेंट बहुत तरह के पुर्जे होते हैं, तो उनको कौन जोड़ता है। तो इसके ऑप्शंस हैं इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, ALU एंड प्राइमरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन कंप्यूटर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सिस्टम डिवाइस, सिस्टम बोर्ड। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड। इट मीन्स फ्रेंड मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ऑप्शन है इसके, मदरबोर्ड स्कैनर और अन्य वस्तुओं मदरबोर्ड के अंतर्गत आती है। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन है एक सर्किट बोर्ड है
जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। एंड इसका चौथा ऑप्शन है, यह एक प्रकार का फाइल सर्वर है। तो फ्रेंड्स इस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब एक्सपेंशन कार्ड कार्ड कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं स्लॉट में, पेरिफेरल डिवाइस, सीपीयू एंड कंप्यूटर के पीछे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, स्लॉट। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड चौथा ऑप्शन है आउटपुट। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटिंग नहीं करता है, कंप्यूटिंग तो वो कर लेता है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग भी वो कर लेता है, और चौथा है आउटपुट, आउटपुट ही वो देता है, तीसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है, इट मीन्स किसी चीज़ को समझ नहीं पड़ता, उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है जैसे कि ह्यूमन के पास है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको रॉन्ग ऑप्शन चुनना है। 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है, यह एक लॉजिक मशीन है और दूसरे को प्रोसेस और सूचना को प्रोसेस करता है। दूसरा ऑप्शन है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। एंड चौथा ऑप्शन है इसका, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कंप्यूटर से संबंधित कौन सा वर्ड नहीं है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है हार्ड डिस्क एंड चौथा है एक्स्ट्रोसाइट। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, एंड जो लास्ट का जो ऑप्शन है एक्स्ट्रोसाइट ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है, यानी कंप्यूटर किस प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं नंबर को, डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जो कि है डेटा को। फ्रेंड्स इस वर्ड को आप इंग्लिश में डेटा बोलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होते हैं वो किस रूप में भंडारण होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के ऑप्शन सोचिए, डेसिमल होगा या बाइनरी होगा या हेक्साडेसिमल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। कंप्यूटर में जितने भी डेटा होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बाइनरी फॉर्म में। 32 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी किस चीज़ के रूप में स्टोर की जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं मेमोरी डाटा, वाट्स डाटा, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है सभी जानकारी। 33 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी मशीनरी और उपकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर, हार्डवेयर।
कंप्यूटर की मशीनरी, जितने भी मशीनरी उपकरण है यानी जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, लैन, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे लैन। फ्रेंड्स यहाँ पे दो तीन वर्ड्स और हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी तो है ही, कीबोर्ड है ही, मॉनिटर है ही, लैन नहीं। अब लैन होता क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लैन लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स ये तीन वर्ड है, इनको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चंस भी आ जाए एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन्हें आप छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हैं इसके माउस, विंडोज, कीबोर्ड, एक्सपी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रोम। रोम का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सेकंड ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, थर्ड ऑप्शंस हैं ऑटो प्रोग्राम इंटरफेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट की गई थी? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस है 1990, 1986, 1995 और 1998। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 1995, 1995 में कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ था इंडिया में, इंडिया में कंप्यूटर स्टार्ट, सॉरी इंटरनेट का स्टार्ट 1995 में हुआ था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इन कंप्यूटर। इट मीन्स इमेज जो हम लोग पिक्चर लेते हैं, जो फोटो खींचते हैं, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है एरे, यूनिट, पिक्सल, रिजोल्यूशन। तो फ्रेंड्स पहला दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तीसरा चौथा ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आपको बता दें कि इसके आंसर्स हो जाएंगे पिक्सल। पिक्सल इट मीन्स आप देखते होंगे कि जब भी हमारा जो कोई कैमरा होता है तो वो कितने पिक्सल्स का होता है, 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, तो ऐसे करके 24 मेगापिक्सल्स, तो ये पिक्सल्स में इसके यूनिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, .org स्टैंड फॉर, इट मीन्स .org का मतलब क्या होता है? हम लोग हमेशा इंटरनेट चलाते हैं उसके आगे साइट पे .org, किसी भी साइट पे .org लिखा होता है, तो इस .org का मतलब क्या होता है? .org का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन, ओरिजिनल और वेबसाइट। तो इसके ऑप्शंस ये हैं, अब इसके आंसर्स होते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स .org, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बता दूं कि आप कभी भी देखते हैं .in का मतलब क्या होता है? .in का मतलब होता है इंडिया। उसके बाद एक चीज और देखते होंगे आप, .com का मतलब क्या होता है? .com का मतलब होता है कमर्शियल। फ्रेंड्स ये तीन क्वेश्चन थे,
www.org.in/.com। तो ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, BCC स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC? BCC का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स ये BCC वर्ड आप देखते होंगे, जब भी आप ईमेल वगैरह करते होंगे तो ईमेल में वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। जब भी हम ईमेल करते हैं तो उस जगह पे ऑप्शंस आते हैं, BCC आते हैं, CC आते हैं, ये सब से ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका मैं आंसर बता दूँ आपको, इसके पहले ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस इसके बिग कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी और नॉन ऑफ दीज। तो BCC का मतलब होता है, इंटरनेट ईमेल के लैंग्वेज में BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जब भी आप ईमेल पे जाइएगा, ईमेल किसी को करना होता है वहाँ पे, तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले ऊपर में आएंगे फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम के नीचे आएंगे टू लिखा हुआ, टू के नीचे आएंगे CC लिखा हुआ या BCC लिखा हुआ, ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद नीचे में रहेंगे सब्जेक्ट लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, फ्रॉम मतलब आप कहाँ से भेज रहे हैं, यानी आपका ईमेल आईडी यहाँ पे होगा। सेकेंड में होता है टू, यानी आप किसे ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे होगा। सी सी का फुल फॉर्म्स होता है कार्बन कॉपी, यानी BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन पते चल गए, तो इस तरह से अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCC? CC स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में CC का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर ईमेल के लैंग्वेज में CC का मतलब होता है सिंपल इसका कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसके ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, कस्टमर केयर, कस्टमर कार्ड एंड कार्बन कॉपी। इसके आंसर होंगे कार्बन कॉपी, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, एड्रेस ऑफ वेबसाइट नॉन एज, यानी वेबसाइट के जो एड्रेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो भी वेबसाइट होते हैं, कोई किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो या पर्सनल किसी कंपनी का वेबसाइट हो, तो वहाँ पर जाते हैं, तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस होते हैं उस एड्रेस को क्या कहा जाता है, मेन ये चीज़ है। तो ऑप्शंस हैं इसके, इंटरनेट एड्रेस, साइट कहा जाता है, URL कहा जाता है या प्रोवाइडर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, उस चीज़ को URL कहा जाता है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उस एड्रेस को URL कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन लास्ट हो गया आज के लिए। फ्रेंड्स इतना ही, अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि ये वीडियो में कुछ फ़ायदा हुआ हो आपका, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक पे, या जहाँ भी आप जिस चीज़ को भी ग्रुप यूज करते हैं वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड चैनल का जो भी नोटिफिकेशन आए उस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पे अगर लाऊं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।